हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर थर्ड, लेक्चर वन, वीडियो नंबर 12। पहले दो टॉपिक करा चुका हूँ मैं। सी पहला टॉपिक था अपना सीरीज का, सेकंड टॉपिक था अपना सीरीज का, और थर्ड टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला जो टॉपिक था उसके भी 4 नंबर थे जैम में, और इसके भी 4 नंबर है, ठीक है। और इसका जो टॉपिक थर्ड है वो 12 नंबर का है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल, डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू एक्स डीएक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट है। जैसे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वाई, और इंडिपेंडेंट क्या है एक्स। इसमें क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और इंडिपेंडेंट एक्स, ठीक है। तो एक ही इसमें इंडिपेंडेंट है और एक ही डिपेंडेंट है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर क्या रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपेयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मे ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। जो ऑर्डर क्या रहेगा, हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एक प्रॉपर्टी है क्या, वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी और वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। इसका जो ऑर्डर क्या रहेगा, इसका वन, क्यों, इसका डेरिवेटिव कितना है वन, इसका ऑर्डर टू। ये पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर बोला है, हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है, तो इसलिए इसका ऑर्डर टू है, इसका ऑर्डर वन है। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, दी हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो हाईएस्ट पावर होगी ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है ही, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कंडीशन क्या आ जाती है उसमें, उसके अंदर जो इक्वेशन है उसमें कोई भी रेडिकल नहीं होना चाहिए, मतलब लॉगरिथम वगैरह ई की पावर या फिर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे, नहीं भी कर सकती है ये एग्जिस्ट, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, इसका ऑर्डर कितना हुआ वन, डिग्री कितना हुआ वन, ऑर्डर टू, डिग्री वन। इसमें ऑर्डर ऑर्डर तो टू ही रहेगा ये, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू है, ठीक है, तो ऑर्डर टू है। लेकिन डिग्री में देखो फ्रैक्शन है, तो अभी सिंपल हुई नहीं है, तो सिंपल करनी पड़ेगी। सिंपल करने के लिए इसे क्यूब से क्यूब क्यूब करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब किया तो इस साइड सिक्स आ गया, तो ठीक है, 3 2 6, तो 6 पावर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर क्यूब 6, ठीक है। तो डिग्री क्या होगी 6, आगे समझे। अभी नेक्स्ट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल जिसमें डिग्री नॉट डिफाइंड रहती है, प्लस वाई लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर तो हमें पता है क्यों है, लेकिन डिग्री वन नहीं होगी, कहीं सोचो आप वन रहेगी, क्यों, इसमें लॉगरिथम आ गया, लॉगरिथम के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉट फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी, क्यों, पॉलीनोमियल फॉर्म नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं रेडिकल नहीं खत्म है, ठीक है। ये तो हो गया अपना बेसिक ऑर्डर और डिग्री निकालना। अब आता है अपना लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर कब कहलाई जाएगी, इस इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म, लीनियर की फॉर्म क्या रहेगी हमेशा, ए नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई, एक तरह से वो पढ़ते थे ना कॉम्बिनेशन, उसी तरह से जा रहा है, ठीक है, डी एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अकाउंट में डी एक्स एन माइनस टू, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स, ये फॉर्म होती है किसकी, लीनियर की। इस तरह से होता है, इसमें क्या रहेगा, वेयर ए नोट ए वन ए टू ए एन आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये सारे क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट, एंड एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब एक्स की फॉर्म में कॉन्स्टेंट है या फिर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आगे समझ में। ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर जो पॉइंट्स लिखवाता हूँ कुछ जो याद करने लायक है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब रहेगी, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ फर्स्ट पार्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड देयर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डज नॉट मल्टीप्लाई ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी रहेगी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट एक्स है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं रहेंगे अगर लीनियर है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द
कोफिशेंट ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ डिफरेंट कोफिशेंट्स इज आइदर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसका मतलब क्या हुआ, जो ए वन ए टू है ये कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं. ठीक है. और थर्ड पार्ट, द डेरिवेटिव एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज इन फर्स्ट डिग्री. द डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किसमें रहेंगे, फर्स्ट डिग्री में. तो मतलब ये जितनी भी दिख रहे हैं सब ऑर्डर बेसक है, नो, लेकिन डिग्री क्या है, वन वन वन, सबकी डिग्री क्या है, वन. तो तीन पॉइंट्स हो गए. पहला पॉइंट कह रहा है आप इसका, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स डज नॉट मल्टीप्लाई इच अदर. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, मतलब ए ए टू ए वन ए टू वाई नहीं हो सकते. तो ये मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं रहेंगे कभी भी. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट क्या रहेगा इसका, ये जो ए वन ए टू है ये क्या तो कॉन्स्टेंट है या फिर एक्स है. एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल. The derivative and dependent variable are in always first degree. मतलब इसकी पावर वन होगी जो ये है अपना. ठीक है. जितने भी डेरिवेटिव है सबकी पावर कितनी रहेगी, वन. लेकिन इसकी कुछ भी हो सकती है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो डिपेंडेंट है इसकी पावर क्या रहेगी, वन. ठीक है, आ गया समझ में. और नॉन लीनियर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इससे अगर ये नहीं है तो बचा गया नॉन लीनियर. ठीक है, इसी तरह करना होगा नॉन लीनियर का. तो इसके एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, एक लीनियर का एक नॉन लीनियर का. ठीक है, dy by dx x square d square by dx square plus 1 minus x dy by dx plus y is equal to x square. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये लीनियर है. क्यों, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. क्या, पहली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डज नॉट मल्टीप्लाई इच अदर. देखो y और dy by dx कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई. the coefficient of differential डिफरेंट टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज आइदर कांस्टेंट. और इनके देखो फंक्शन क्या है, या तो x है या फिर x स्क्वायर है. y से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कांस्टेंट बोला है कि कांस्टेंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है. और द डेरिवेटिव एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज इन फर्स्ट डिग्री, सबकी फर्स्ट डिग्री है. देखो ये बेसिक ऑर्डर टू है लेकिन डिग्री फर्स्ट है. आगे समझ में. तो इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर. नॉन लीनियर का एग्जाम्पल लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई इज इक्वल टू एक्स. ये क्या है, नॉन लीनियर. क्यों, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे. थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिग्री कितनी है, वन. लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, सॉरी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, y और dy by dx. थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों, इसने बोला है फर्स्ट डिग्री, लेकिन ये इसकी डिग्री कितनी है, हाफ. तो इसलिए क्या हो गया, ये नॉन लीनियर. आ गया समझ में. ये तो हो गया अपना लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब पढ़ते हैं हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं, एक मिनट. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इन दिस सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब एक तरह से क्या रहता है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन. इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो लिखवा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इनवॉल्व विच सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, एक तरह से एक रिलेशन होगा. ठीक है, जो रिलेशन होगा वेरिएबल्स के बीच में, मतलब वाई और एक्स के बीच में, जो सेटिस्फाई किसको करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक लिखवा देता हूँ, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. ये सॉल्यूशन है किसका, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. आप ट्राई कीजिएगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, कोस एक्स आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा. तो माइनस साइन एक्स को ले जाओ, प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स क्या था, वाई था, तो ये रख दिया, वाई इज इक्वल टू जीरो. आगे समझे, ये इसका सॉल्यूशन है. ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं. पहला जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, the order of a differential equation is equal to the number of arbitrary constant
is gold. General solution of differential equation. ठीक है, आगे समझना है. ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होंगे. अगर उसको जो इक्वेशन बनी है उसमें, तो वो क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा. ठीक है, मतलब आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जितने भी होंगे जनरल इक्वेशन में, जनरल सॉल्यूशन में, उतने ही क्या होंगे उसके, उतना ही उसका क्या होगा ऑर्डर. तो हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर किसी भी इक्वेशन का. ठीक है, जैसे कि यही ले लीजिए, एक तो इसका वाई इक्वल टू साइन एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई इक्वल टू कोस एक्स. तो वाई क्या हो गया अपना सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स. ये किसका हो जाएगा सॉल्यूशन, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई ऑफ, इसको मैं अगर वन मार्क करूं तो ऑफ वन. ठीक है, आगे समझ में. तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, वाई इक्वल टू साइन एक्स एक सॉल्यूशन है, वाई इक्वल टू कोस एक्स एक सॉल्यूशन है. तो ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से दोनों को कंबाइन कर दिया. ठीक है, नाउ एक इसके ऊपर एग्जाम्पल लिखते हैं. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये एक मान लो इसकी क्या है इक्वेशन. ठीक है, इफ अगर इसके दो एग्जाम्पल हैं, इफ वाई वन एंड वाई टू आर सॉल्यूशन ऑफ अबोव डिफरेंशियल इक्वेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग और ट्रू. ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमें बताना है कि कौन से इसमें ट्रू रहेंगे. फर्स्ट वाई वन प्लस टू वाई टू इज ए सॉल्यूशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन. सेकंड टू वाई वन प्लस वाई टू इज ए सॉल्यूशन. थर्ड थ्री वाई वन प्लस फोर वाई टू इज नॉट ए सॉल्यूशन. ठीक है, फोर्थ पार्ट थ्री वाई वन माइनस टू वाई टू इज नॉट ए सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन से ठीक होंगे. पहला हो सकता है ठीक, क्योंकि ये देख लीजिए दो सॉल्यूशन थे, तो कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो ये सही है. कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू तो होगा आंसर, और कांस्टेंट की वैल्यू इधर वन है, सी वन की सी टू की इधर हुआ टू, तो ये दोनों सॉल्यूशन सही है. ये गलत हो जाएगा, क्यों नॉट बोल दिया, क्यों नहीं होगा, सी वन क्या इधर थ्री है, सी टू क्या है फोर है. आगे समझे, ये भी गलत होगा, नॉट लगा दिया. ठीक है, आगे समझे. नाउ नेक्स्ट, इससे हमें पता क्या चल रहा है, इसके ऊपर क्या एक पॉइंट याद रखना, क्या कि अगर ये दो सॉल्यूशन है तो अगर इसका क्या रहेगा, सिंपल सा कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन ये कंडीशन क्या रहेगी, होमोजेनियस है. होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में फर्क बता देता हूँ अभी. होमोजेनियस वो होता है जिसका आर एच एस जीरो हो. ठीक है, मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो. और होमोजेनियस होमोजेनियस बता दी मैंने, जिसका कोई जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, उसे बोलते हैं हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, जिसका राइट हैंड साइड क्या है जीरो. अगर इधर एक्स होता, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, तो उस केस में वो क्या होती है नॉन होमोजेनियस. तो ये होमोजेनियस के अंदर तो सीधा सीधा लग जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, अगर यही केस उसमें ले लें हम, किसमें नॉन होमोजेनियस में, नॉन होमोजेनियस का करा देता हूँ एक पार्ट. सेकंड सेकंड ले लीजिए आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स. ये नॉन होमोजेनियस हो गई, क्यों, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल था नहीं, तो क्या हो गया, ये होमोजेनियस. ये नॉन होमोजेनियस है, तो इसके ऊपर जो ऑप्शन बनते हैं, ऑप्शन बनाता हूँ मैं इसके, वन बाई थ्री वाई वन प्लस टू बाई थ्री वाई टू इज ए सॉल्यूशन. सेकेंड टू बाई थ्री वाई वन प्लस वन बाई थ्री वाई टू इज ए सॉल्यूशन. थर्ड पार्ट टू वाई वन माइनस वाई टू इज ए सॉल्यूशन. और फोर्थ पार्ट थ्री वाई वन प्लस फोर वाई टू इज ए सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें क्या है, y1 y सेम क्वेश्चन है, जस्ट ये इक्वेशन है. इफ y1 y2 आर द सॉल्यूशन ऑफ अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. फर्स्ट इसमें क्या रहता है, नॉन होमोजेनियस में जो इनका जो सम है c1 plus c2 का सम, मतलब क्या हुआ, जितना भी ये सम रहेगा वो कितना रहना चाहिए 1. तो 1 by 3 plus 2 by 3 कितना सम होता है 1, तो ये सही है. ये 2 by 3 plus 1 by 3 1, तो सही है. ये 2 plus 2 minus 1 1, तो सम कितना हो गया 1, तो सही है. 3 plus 4 7, ये गलत है, क्यों, कॉन्स्टेंट्स का सम क्या रहता है हमेशा 1. तो इसके ऊपर नोट लिखिए डी लीनियर कॉम्बिनेशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ
linear combination is the solution of non-homogeneous differential equation if summation ci is equal to 1. ठीक है, याद रहेगा ये, अगर होमोजीनियस है तो उसमें सीधा लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, कोई कोई भी C1 C2 की कंडीशन नहीं रहेगी. अगर नॉन होमोजीनियस है तो उसमें क्या रहेगी, C1 C2 पे कंडीशन रहेगी. ठीक है, क्या कंडीशन रहेगी कि उन सभी कांस्टेंट का जो सम होगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे हम, एक तरह से हमें उसमें से एलिमिनेट करने होंगे क्या, कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट जितने भी होंगे उनको, कांस्टेंट्स को रिमूव करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसे ही हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे. तो इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ मैं, फॉर्मेशन, ये आप अगर समझते हो तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी. ठीक है, ये जरूरी नहीं प्रॉपर इंग्लिश हो अपनी, जस्ट टूटी फूटी इंग्लिश भी हो लेकिन आपको आना चाहिए. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है तो समझ लीजिए उसे, आप अगर दो भाषाओं में नहीं बता सकते एक ही चीज को तो समझ लीजिए वो आपने रटी हुई है. ठीक है, मीन वी हैव टू एलिमिनेट डी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. समझ गए, अगर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हटा दोगे तो वो क्या उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन में. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखो, जैसे हमें कोई एग्जांपल दे दिया, वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -2x. इसकी क्या करनी है हमें, फॉर्म करनी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन. तो कैसे करेंगे, ए और इसमें लिखा है ए एंड बी आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. ठीक है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव वाई वन ए ई की पावर 2x का क्या रहेगा, 2 आगे आएगा ई की पावर 2x प्लस -2 बी ई की पावर -2x ये रहता है. तो मतलब क्या बना, 2 ए ई की पावर 2x माइनस 2 बी ई की पावर -2x. ठीक है, वाई टू निकालेंगे, ये तो पता ही है आपको, पीछे लिखवाया था कि अगर दो कॉन्स्टेंट है तो ऑर्डर कितना रहेगा, 2. तो मतलब दो बार तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा. दूसरा डेरिवेटिव किया हमने, क्या आ जाएगा, 2 to the 4 ए ई की पावर 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 बी ई की पावर -2x. ये है क्या दरअसल, 4 ब्रैकेट के अंदर ए ई की पावर 2x प्लस टी ई की पावर -2x और ये क्या था अपना वाई था. तो वाई टू इज इक्वल टू 4y. ठीक है, वाई टू इज इक्वल टू 4y आ गया. ये अपनी फॉर्मेशन हो गई किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की. अभी हम पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता ही होगा आप किसे बोलते हैं हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो ये तो मैं लिखवा नहीं रहा, सीधा सा लिखवा रहा हूँ क्या इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहती है अपनी, ए नोट डी की पावर एन वाई एन वाई डी एक्स एन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स. ये होती है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका जो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या रहेगा, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई. तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल. इससे फॉर्म होता है इसका सॉल्यूशन. ठीक है, दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, दो पार्टों में डिवाइड किया सी एफ प्लस पी आई. सी एफ एक तरह से क्या लगा सकते हो, जनरल सॉल्यूशन को ही हम सी एफ बोलते हैं और पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग से निकलता है. ठीक है, इसमें याद रखना पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं होता, जितने भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं वो किसमें रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में. ठीक है, आगे सुन. अब इसको सोल्व करना है कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं किसे, अभी करा रहा हूँ मैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे बोलते हैं, यही जो इक्वेशन है जो ये इक्वेशन लिख रहा हूँ इसकी जगह आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए डी, इसको डी वाई बाई डी एक्स है, इसको डी की पावर एन हो गया, डी की पावर एन माइनस टू आएगा. तो मतलब क्या बन गया, ए नोट डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन वाई. वाई मैंने बाहर निकाल दिया और डी बाई डी एक्स को क्या रख दिया हमने, डी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है, जो ये जो इक्वेशन बन रही है, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन. अभी हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने के कई कई केसेस बनेंगे इसके. ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी जो सॉल्यूशन निकालने बता रहा हूँ मैं कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही है,
जो हमने पढ़ चुके हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे समझाने के तरीके में कुछ इंप्रूवमेंट करूं मैं, तो वो भी बता दीजिए, कि वो अगर वो अच्छा लगेगा मेरे को भी कि हाँ भाई आप ऐसा चाह रहे हैं, तो मैं भी करने की उसे पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।